तो हेलो गाइस, आज से कुछ दिनों पहले मैं नेपाल गया था शीश महल घूमने। तो वहाँ से मैं बहुत सारा नेपाली स्नैक्स टिप्स वगैरह लेके आया हूँ। तो आज चलिए सबको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट में लगता है और कैसा इनका स्नैक्स होता है, कैसा चिप्स होता है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वो ब्लॉग नहीं देखा जिसमें हमने नेपाल का शीश महल का पूरा टूर कराया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इससे। ये है चुरमुरे, हमारे यहाँ होता है कुरकुरे, उसका जस्ट कॉपी होता है चुरमुरे। तो इसकी प्राइस इस पर लिखी हुई है 40 रुपीज़। ये 40 रुपये का है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो इतना का तो 20 में कुरकुरे आ जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर कैसा है। इसका नाम है डुगर्स चुरमुरे, डुगर्स चुरमुरे। तो चलिए काटते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कुरकुरे की तरह दिखने में लगता है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है। कुरकुरे से कुछ मिलता जुलता स्वाद है, जितना टेस्टी कुरकुरे होता है उतना टेस्टी ये नहीं है। अब हमारे पास है टिक टिक, इसका नाम ही टिक टिक है। तो चलिए इसको भी हम लोग खोल के देखते हैं। और फ्रेंड्स, हमने रामनगर का भी एक ब्लॉग शूट किया है। रामनगर बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है टिक टिक और इसके अंदर है चीज बॉल। टेस्टलेस, कोई टेस्ट ही नहीं इसमें, बकवास है। इसकी प्राइस है 5 रुपये का होगा। जी हाँ, इसकी प्राइस 5 रुपीज़ है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं इसमें, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अब हमारे पास है अकबरे स्टिक्स, क्विक्स का अकबरे स्टिक्स। नाम ही गजब गजब है फ्रेंड्स, क्विक का अकबरे स्टिक्स। तो चलिए इसको भी हम लोग खोल के देख लेते हैं। इसकी प्राइस तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स 20 रुपीज़ है। और नेपाल में बहुत लूटते हैं भाई। इसके अंदर है कुरकुरे टाइप का कुछ है। चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। निहायत ही बकवास, बहुत हार्ड है। कुरकुरे का ऐसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत बकवास है। नाम है अकबरे स्टिक्स, एकदम पैसा बर्बाद है फ्रेंड्स। अगर आप नेपाल जाते हैं तो ये सब बिल्कुल मत खरीदिए, नेपाली प्रोडक्ट्स वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा अपना इंडियन कुरकुरे खरीदिए, लेस खरीदिए। और अंतिम में है फ्रेंड्स हमारे पास ये वाई वाई। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जिस तरह हमारे यहाँ मैगी होता है, उस तरह नेपाल में होता है वाई वाई। तो फ्रेंड्स, इसको तो हम लोग इस तरह खा नहीं सकते, इसको हम लोग पकाना होगा। तो इसकी वीडियो हम लोग फिर कभी बनाएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शीश महल नेपाल ऐसा फोटो है, तो आप इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है नेपाल में शीश महल, बहुत ही खूबसूरत है। तो जाने से पहले ज़रूर देखिए।
और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है रामनगर का गोवर्धना, तो उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।